दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको ये सामने जो देख पा रहे हैं नींबू का प्लांट है उसको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। और इसमें काफ़ी मैंने पिछले हार्वेस्ट कर चुका हूँ और कुछ अभी भी नींबू लगे हुए हैं देख पा रहे हैं। और कुछ इसमें बर्ड्स भी आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो फ्लावर्स ऐसे भी पकड़ लिए हैं, देख सकते हैं इधर साइड में कहीं है। और मेरे सामने जो देख रही है, ये मैंने गमला मंगाया है 12x12 इंच का, ऑनलाइन ही मंगाया था। तो आज मैं इसमें रिपोर्ट करने वाला हूँ। ये छोटा प्लांट, इसमें थोड़ा छोटा पड़ रहा है, उसकी जड़ें उतनी फैल नहीं पा रही है, इसलिए मैं इसमें रिपोर्ट करने वाला हूँ। और आज मैं आपको खाद बनाने की विधि बताऊँगा। मैंने इसे मिट्टी कुछ रखे हुए हैं और ये सामने जो देख पा रहे हैं ना, गोबर, आज गोबर मंगाया हूँ और मैं आज इसमें गोबर डालने वाला हूँ। दोस्तों देख पा रहे हैं सामने आपके, मैंने कुछ मिट्टी बनाए हैं इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो मैंने अभी इसमें मिट्टी और ये गोबर है, गोबर जो काफ़ी सूखे हुए गोबर है, मैंने लगभग 6 महीने पहले का गोबर है, जो काफ़ी हेल्दी और पौष्टिक भी है, जो आपके न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। अब देख पा रहे हैं कि सूखे हुए गोबर है और इसमें चींटी लगने की कोई चांस नहीं है। और मिट्टी और गोबर, इसमें मैं खुद बर्मी कंपोस्ट डालूंगा। ये बर्मी कंपोस्ट मैं भी मार्केट से लाया था और काफ़ी मैंने लाया था बर्मी कंपोस्ट। और इसमें थोड़ी सी मैं, फिर भी मैं फंगस को बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी मैं डालता हूँ हल्दी पाउडर, मैं डालता हूँ बेसिकली, ताकि इसमें ये चींटी और फंगस का अटैक ना हो सके, मिट्टी आपकी हमेशा स्वस्थ बनी रहे। आप देख पा रहे हैं सामने आपके नींबू के जो प्लांट है, जो मैंने नर्सरी से लाया है, आज मैं इसका रिपोर्ट कर ही रहा हूँ। और देख पा रहे हैं मैंने इसमें से मिट्टी थोड़ा सी निकाल ली है और मैं आज इसका रिपोर्ट करने वाला हूँ। और ये रहा आपका नींबू का प्लांट, जिसके मैंने जड़ों को टूटने से बचाया है, टूटने नहीं दूंगा। और ये देख पा रहे हैं सामने आपके जो नींबू का प्लांट है, वो मैंने जड़ के साथ ही निकाला है। ठीक, अब देख पा रहे हैं मैंने आज इसमें रिपोर्ट कर दिया हूँ। और ये गमला है, काफ़ी बड़ा गमला है, काफ़ी बड़ा गमला लाया हूँ और रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इसमें अभी कुछ मैं मिट्टी डालने वाला हूँ और मिट्टी मैंने यहाँ से लिया हूँ। और देख पा रहे हैं मैंने इसमें गोबर खाद और सब सारे मिक्स किए हैं, काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है जो मैंने रिपोर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने फाइनली इसमें रिपोर्ट कर दिया हूँ। और आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी इसमें पूरे भर के मैंने मिट्टी डाला है। आप भी अपने घरों में ऐसे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये प्लांट मैंने नर्सरी से लाया था और आप भी अपने घरों में नींबू के पौधे लगा सकते हैं। आप अपने घरों में नींबू का प्लांट लगा सकते हैं। नींबू हर के घर में ज़रूरी चीज़ होती है। अभी कोरोना के समय भी नींबू की बहुत ज़्यादा, जैसे विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है।